हे प्राइमर भी तो कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि यार आज की वीडियो में मैंने ऐसा ट्रिक बताया ना गाइस, आप वेयरहाउस पे उतरते हो तो उस टाइम क्या होता है कि बहुत लोग जो है कि पहले ही मर जाते हैं या फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो गाइस आज की जो ट्रिक है ना गाइस, उस ट्रिक की हेल्प से आप सर्वाइव भी कर सकते हो। एंड गाइस किसी भी एनिमी को किल करोगे ना, वो एनिमी बिल्कुल भी सोच भी नहीं पाएगा कि यहाँ से भी कोई मार सकता है। सो गाइस ट्रिक तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड बहुत ही यूनिक है गाइस। आप में से बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे ये ट्रिक, तो वेयरहाउस पे बहुत सारे ऐसे ट्रिक हैं तो आज की इस वाले वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखना है गाइस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है। तो चलो गाइस जो ट्रिक्स हैं मैं फटाफट से बता देता हूँ। सो गाइस जो पहली ट्रिक है वो गाइस इस वेयरहाउस के ऊपर चढ़ने वाली ट्रिक है। तो आप इस वेयरहाउस के ऊपर आप इजीली चढ़ सकते हो। सो गाइस ये जो ट्रिक है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी यार। तो अगर मान लो कि बंदा वेयरहाउस में कैंप कर रहा है तो उस सिचुएशन में आपको वेयरहाउस के ऊपर चढ़ के उसको ईजिली सरप्राइज अटैक कर सकते हो। उसको करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर आना है, जैसे ये जो पहाड़ की टाइप बना हुआ है तो यहाँ पर आना है, इसका एडवांटेज लेना है। तो यहाँ पर ले आने के बाद से आपको कुछ इस माइनर में आ जाना है। एंड आने के बाद से गाइस आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। सो गाइस यहाँ से आपको दौड़ते हुए जाना है एंड दौड़ते हुए जाते 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 यहाँ से आके आपको एक बार जंप लगा देना है। एंड बूम गाइस आप जो है कि इस छत पे आ जाओगे। एंड जैसे आप इस छत पे आ जाते हो गाइस, यहाँ से आप पूरे वेयर हाउस को कवर कर सकते हो, यानी कि जो भी वेयर हाउस में कैंप कर रहा होगा उसे आप इजीली मार सकते हो। तो गाइस देख सकते हो गाइस कितना ऑसम ट्रिक है। सो गाइस ये जो ट्रिक है गाइस ज़रूर से यूज़ करना। एंड गाइस ये जो ट्रिक है गाइस किसी ने भी बताया नहीं होगा, एंड गाइस आपको मैं पहली बार बता रहा हूँ, तो ज़रूर से यूज़ करना। सो गाइस आपको ट्रिक कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अब जो दूसरी ट्रिक है गाइस वो भी बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाली है, क्योंकि यार ये जो बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हो वेयर हाउस का, तो इस बिल्डिंग में बहुत सारे एनिमी आ जाते हैं। एंड गाइस होता क्या है कि बहुत सारे एनिमी रश कर देते हैं तो उस सिचुएशन में बचने की कोई चांसेस नहीं होते। तो यार मैं एक सीक्रेट लोकेशन बताता हूँ, यहाँ से आप मतलब एनिमी को मार सकते हो। आपको बस ऐसे आना है एंड यहाँ पर जंप लगाना है, तो कुछ इस तरह माइनर में आ जाओगे। एंड इस वॉल के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो मैं ऊपर वाले वॉल के थ्रू मैं कहीं भी जा सकता हूँ। एंड गाइस यहाँ पर एक जगह स्टे के यहाँ पे बैठ के आपको एनिमी को किल कर देना। अगर इस दरवाजे से कोई भी एनिमी आएगा आपको यहाँ से मार देना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप हाइड भी हो सकते हो यहाँ पे बैठ के, एंड जो भी एनिमी आएगा उसको पीक एंड फायर करके आप यहाँ से मार सकते हो। सो गाइस ये जो ट्रिक है गाइस आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि आप यहाँ पे एकदम पूरा यहाँ से पूरा कवर कर सकते हो। और यही चीज़ आप इस साइड भी कर सकते हो, इधर जाके पूरा और यहाँ पे भी आके आप आराम से बैठ के मार सकते हो एनिमी को, कोई भी इस गेट से कोई भी आता है तो। सो गाइस जो तीसरी ट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाली है, क्योंकि यार जो तीसरी ट्रिक है उसमें आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो। जी गाइस इसके ऊपर चढ़ने का एक नया ट्रिक बता रहा हूँ गाइस। आपको करना क्या है, इसको आपको ओपन बाहर की तरफ वो खोल देना है। अगर आपके पास फ्रेंड है तो आपको यहाँ पे इस तरीके से खड़ा कर देना है इस तरीके से, और उसके बाद से आप चढ़ सकते हो। या फिर अगर फ्रेंड नहीं है तो आपको एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर एक गाड़ी ऑलरेडी रहती है। तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ, तो गाड़ी को कुछ इस मैनर में लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ इस माइनर में लगा देना है। लगाने के बाद से गाइस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाना है। चढ़ने के बाद से आपको इस दरवाजे के ऊपर चढ़ना है। एंड चढ़ने के बाद से बूम गाइस आप इसके अंदर आ जाओगे। एंड गाइस यहाँ पे आने के बाद से आपको फुल कवर मिल जाता है। एंड गाइस जो भी एनिमी आएगा उसको ईजिली आप किल कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया ट्रिक है गाइस, तो उसे यूज़ करना। सो गाइस जो चौथी ट्रिक है गाइस इस बस के ऊपर वर्क कर रही है, तो गाइस इसमें करना क्या है मैं बता देता हूँ। आपको इस बस के सामने इस तरीके से आ जाना है। एंड मुझे बॉट मार रहा है तो छोड़ो। यहाँ पे आने के बाद से आपको एक बार जंप करना है। एंड घूम गाइस आप यहाँ पे आ जाओगे। आने के बाद से ये जो जगह देख रहे हो छोटा सा, आपको यहाँ पे आ जाना है। तो यहाँ देख सकते हो एक छोटा सा हाइड प्लेस है। अगर एनिमी अगर मान लो कि सामने से आ रहा है तो यहाँ से आप हाइड हो सकते हो, और एनिमी आते ही आपको इसको पिक एंड फायर करके आप यहाँ से ईजिली मार सकते हो। सो गाइस ये जो ट्रिक है गाइस आप वर्क कर सकते हो एनिमी को मारने के लिए। तो यहाँ पर देखो मैं कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको किल कर दिया एंड ये भी नॉक हो गया। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आप आके अब हाइड हो सकते हो। एंड गाइस लॉबी में आप लोग बहुत बार यहाँ पे हाइड भी होते होंगे, क्योंकि लॉबी में एक बस ऑलरेडी मिलता है। सो गाइस ये जो ट्रिक है गाइस आपको पता होगी, मुझे पता है, तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर यस लिखना, ठीक है। सो चलो अभी चलते अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस जो पाँचवीं ट्रिक है ना वो भी बहुत ही अच्छी ट्रिक है,
बहुत बार होता क्या है कि आप लोग इस तरीके के हाउसेज में अंदर रहते हो और बहुत एनिमी मतलब पूरे एनिमी रस कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में मैंने जो एक ट्रिक बताई थी वो ट्रिक आप लोगों में से बहुत लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि हो नहीं रहा है कैसे होगा, ठीक है, तो वो मैं ट्रिक बता देता हूँ फिर से। आपको करना क्या है, जंगला है ना जंगला, इसको इस तरीके से आना है, इस तरीके से जैसे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद एक बार जंप लगा के आपको ऐसे बैठ जाना है, ठीक, बैठने के बाद से आपको यहाँ पे आ जाओगे, आने के बाद से गाइस आपको इस तरीके से रखना है एंड गाइस बूम इस तरीके से जंप लगाना है एंड यहाँ पे आने के बाद से आप देख सकते हो आप यहाँ पे आ जाओगे एंड आने के बाद से गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप इस घर को ईजिली क्लाइंब कर सकते हो एंड क्लाइंब करने के बाद से आप देख सकते हो इस छत के ऊपर आ सकते हो और यहाँ से गाइस ईजिली किसी भी एनिमी को किल कर सकते हो बिना किसी डैमेज के। तो गाइस देख सकते हो यार कितनी अच्छी ट्रिक है गाइस, अगर आपको ये सारी ट्रिक्स पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।